नैनी पुलिस ने बेटी के प्रेमी हत्या मामले में आरोपित पिता को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि गोली से घायल उसकी बेटी जीवन व मौत के बीच संघर्ष कर रही है। पुलिस अधीक्षक यमुना पार सौरभ दीक्षित ने बताया कि मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज के पास ढाबा कारोबारी के घर में वारदात मामले में पीएसी कॉलोनी चक हीरानंद निवासी सुनील मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि वो ढाबे पर अधिकतर रात में रुकता था। सप्ताह में एक बार वो घर आता था। वारदात के दिन वो घर में ही था। उसका बड़ा बेटा ढाबे पर रात में रुका था। वो वारदात की जानकारी होने के बाद घर पहुंचा, जबकि उसके घर कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। किस तरह वारदात हुई इसकी जानकारी दी। उसकी बेटी अर्णव सिंह को बचाने की कोशिश किया, जिससे उसे गोली लग गई। पहली गोली बेटी के हाथ को छूकर निकल गई और दूसरी उसके पेट में जा धंसी, जिससे उसकी बेटी गिर गई। और उसके बाद उसने अर्णव को एक गोली सीने में और दूसरी पीठ में मारा, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्य छत पर पहुंच गए। नहीं तो पांचवी गोली मैं खुद अपने आप को मार लेता। अर्णव प्रतिदिन की भांति मेरी बेटी से मिलने के लिए आया था और हम लोगों की नींद अचानक भोर में टूट गई और बेटी की गतिविधियों पर आशंका होने की वजह से छत पर पहुंच गया। देखते के बाद जो हुआ वो सामने है। के थाना नैनी पे दिनांक 25 मई की सुबह 5:30 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक लड़का और एक लड़की इन्हें गोली लग गई है तथा ये गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल इस सूचना पर पुलिस फोर्स की कई टीमें और हमारी फॉरेंसिक यूनिट और सभी सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंचे। वहां पर दोनों जो एक लड़का था अर्णव सिंह वो मरणासन्न था। तत्काल उसे और जो पीड़िता है उन दोनों को ही तत्काल चिकित्सकीय इलाज के लिए रवाना किया गया। जो लड़की है वो अभी SRN में वो इलाजरत है, परंतु जो अर्णव सिंह लड़का था उसकी मृत्यु हो चुकी है। और अर्णव सिंह के जो पिता हैं उनकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, उस पर कल ही 3 लोगों के विरुद्ध एक FIR दर्ज कर ली गई थी, जिनके नाम सुनील मिश्रा तथा उनके 2 पुत्र हैं। मौके पर की गई पूछताछ में तथा अन्य जो भी भौतिक साक्ष्य संकलन हुआ था उसके आधार पे जो अभियुक्त सुनील मिश्रा हैं उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि जो लड़की है और लड़का है इनके कुछ महीनों से प्रेम संबंध हो गए थे तथा लड़का जो है लड़की के घर पे आया करता था इससे मिलने। घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी। परसों देर रात इन दोनों को अपने छत पर एक साथ देख लेने के बाद से जो सुनील मिश्रा हैं ये अपना आवेश में आ गए और अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से अपनी लड़की तथा लड़का जो लड़का इनके घर पर आया हुआ था दोनों लोगों पर फायर कर दिया। मौके से ही जो फायर किए गए कारतूस थे उनके खोखे और जो आला कत्ल है उसे बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त सुनील मिश्रा को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तो क्या ये अपने ही घर से खुद को भी मारना चाह रहे थे? ये देखिए पूछताछ के क्रम में कई चीज़ें सामने आई थी, उसमें ऐसा भी इन लोगों ने बताने का प्रयास किया।